हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीए के जो एग्जाम चल रहे हैं वो चुनाव के चलते आपका थोड़े से पीछे कर दिए गए हैं, यानी कि आपके जो एग्जाम है वो 15 से 20 दिन अब जो है लेट हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हमारे एग्जाम तो पीछे हट गए हैं, तो वे कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई को स्किप करने सोचेंगे। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको परीक्षा में अच्छे और शानदार मार्क्स लाने हैं तो आपको निरंतर पढ़ाई करते रहना है। दोस्तों, हमें जितने भी ये 10 से 15 दिन मिले हैं, जितने भी हैं आपका 15 से 20 दिन, इनको हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराता था, और मास्टर वीडियो जो है मैं आपको चारों यूनिटों का अध्ययन करने के बाद में एक वीडियो बनाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी 15 से 20 दिन है, तो हम जो है एक एक यूनिट का अध्ययन करेंगे। आपका जैसे इसमें 4 यूनिटें हैं, तो हम एक एक यूनिट करके आपका वीडियो वाइज जो है आपका बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आपके इससे क्या होगा, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो पाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो आप नीचे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया हम यूनिट वाइज पढ़ने के लिए तैयार है, तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे पास देखिए ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी इसमें ले लिए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है आपको मॉडल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं सभी वीडियो को कर लेना है तो आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए मनु है। मनु से जितने भी बनने वाले सवाल है सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए मनु के अनुसार जो आपका राज्य का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो क्या है, वो है राजा। क्या है? राजा, या इसी को बोलते हैं स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व है। देखिए ये है आपका प्रजा रक्षण, यानी कि प्रजा की जो है रक्षा करना सबसे प्रमुख दायित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए ये होनी चाहिए 10। कितनी होनी चाहिए? 10, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनको पढ़ने के बाद आपको मॉडल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मनु ने किस ग्रंथ की रचना की थी। देखिए मनु ने बनाया था मनुस्मृति। क्या बनाया था? मनुस्मृति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देवता राजा का एक शाश्वत अंग नहीं है। देखिए यम, यम नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। इंद्र भी है, विष्णु भी है और कुबेर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है। देखिए जो आपका धर्मशास्त्र है उसका प्रणेता माना जाता है मनु को। किसको माना जाता है? मनु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, मनु के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है। देखिए मनु के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है, वो है वे सभी गुण जो मानव मात्र के द्वारा धारण किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है। ये कहा जाता है मनु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुस्मृति का रचना काल मजूमदार व पुष्कर के अनुसार है। देखिए ये है आपका ईसा से 900 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 900 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनु के अनुसार राज्य की प्रकृतियां हैं। देखिए मनु के अनुसार जो आपके राज्य की प्रकृतियां बताई गई हैं वो बताई गई है 7। कितनी बताई गई है? 7। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जो आपको पीडीएफ है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत का समन्वय किया। ये किया है गतिरात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक, तीनों का किया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनु ने हिंदू धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन किया है। देखिए मनु के अनुसार जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रजा की सुरक्षा व कल्याण करना किसका कार्य है। सभी को पता है ये है प्रजा का। किसका है? सॉरी दोस्तों, राजा का। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा का सुरक्षा करे और कल्याण करे। आगे देखिए, राजा में समष्टि की कितनी शक्तियों का समावेश होना चाहिए। देखिए यह है आपका 8। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का निर्माण हुआ है। देखिए जो हमारा राज्य है, राज्य का निर्माण कैसे हुआ है? प्रजा रक्षण हेतु, प्रजा की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर।
आगे देखिए, मनु ने धर्म के अधीन रखा है, किसको रखा है, राजा को रखा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य होना चाहिए, देखिए जो आपका मनु है, मनु के अनुसार जो हमारा शासन का जो उद्देश्य है, मोटिव है, वो होना चाहिए धर्म, काम और अर्थ, तीनों होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति के किस अध्याय में राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो किया है 7वें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां, मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर किसकी उत्पत्ति का उल्लेख किया है, किया है राजा का, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा को सचिवों के साथ मंत्रणा कब करनी चाहिए, ये करनी चाहिए रात्रि में, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए, मनुस्मृति में राजधानी को कहा गया है पुरिया दुर्ग, क्या कहा गया है राजधानी को मनुस्मृति में, दुर्ग कहा गया है या पूर्व भी हम कह सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार शासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है, क्या है ग्राम है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 12 अध्याय है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में मंत्रियों को कहा गया है, देखिए मनुस्मृति में जो है मंत्रियों को क्या कहा गया है, सचिव कहा गया है, क्या कहा गया है सचिव। आगे देखिए, पुरातन भारतीय राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की जानकारी प्रदान करने वाले ग्रंथों में सर्वाधिक महत्व है किसका, मनुस्मृति का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में स्वीकार किया है, देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता, क्या है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां, दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़ना है। मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है, यह किसने कहा है, ये कहा है नीत्से ने, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय है, कितने श्लोक है, देखिए मनुस्मृति में मैंने ऊपर बताया कितने अध्याय है, 12 अध्याय है और 2694 श्लोक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए, मनुस्मृति के किस अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख है, ये किया गया है आपका 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। देखिए यहाँ पर जो है हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मनुस्मृति के। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है भीष्म का। देखिए भीष्म से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, भीष्म के अनुसार बैरी को किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है, देखिए जो आपका बैरी होता है उसको किया जाता है बुद्धि बल से, किससे, दिमाग से जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 32, आपातकाल में राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, यह प्रश्न भीष्म ने किसने कहा था, ये कहा था आपका युधिष्ठिर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, भीष्म से किसने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में राजनीति का उपदेश वेदव्यास ने किससे दिलवाया है, ये दिलवाया है भीष्म से, किससे दिलवाया है भीष्म से। आगे देखिए, सर सैया पर लेटकर किसने प्राण त्यागे थे, भीष्म ने त्यागे थे, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, शत्रु को लेकर भीष्म ने किसने प्रश्न पूछा, देखिए जो आपका शत्रु को लेकर भीष्म से प्रश्न पूछा था वो पूछा था युधिष्ठिर ने, किसने पूछा था, युधिष्ठिर ने पूछा था। आगे देखिए, भीष्म किसका पुत्र है, देखिए भीष्म पुत्र है शांतनु का, किसका है शांतनु का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़ना है। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने भाग लिया था, ये लिया था कौरवों के सेनापति के रूप में, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए, भीष्म की माता का क्या नाम था, देखिए भीष्म की जो माता थी वो थी गंगा, कौन थी माता, गंगा थी भीष्म की। आगे देखिए, भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, देखिए भीष्म का जो वास्तविक नाम है वो था देवव्रत, क्या था देवव्रत। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैं जो है ना चैनल का नाम चेंज करना सोच रहा हूँ, तो आप मुझे एक बेस्ट सा जो है अपने हिसाब से जो है चैनल का नेम सजेस्ट करेंगे, ठीक है, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते आपकी कमेंट मुझे इस पर जरूर मिलनी चाहिए। आगे देखिए, भीष्म के अनुसार मंत्री परिषद में वेश्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये है आपका 21, कितनी होनी चाहिए 21, जरूर से कमेंट कीजिएगा आपका चैनल के नाम चेंज करने को लेकर। आगे देखिए, भीष्म के अनुसार राजा को क्या प्रारंभ करने से पहले किससे परामर्श करना चाहिए, ये करनी चाहिए पुरोहित से परामर्श, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, भीष्म के अनुसार राजा को कितने व्यसनों से दूर रहना चाहिए, ये है आपका 7 व्यसनों से दूर रहना चाहिए भीष्म के अनुसार राजा को। महाभारत की रचना किसने की थी, सभी को पता है वेद व्यास जी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांतिपुर में राजा के कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है, ये किया गया है 4 प्रकार के मित्रों का उल्लेख। आगे देखिए, प्रजा की रक्षा के लिए राजा का धारण करता है, देखिए जो आपकी प्रजा की रक्षा के लिए राजा धारण करता है वो किसको करता है, दंड को धारण करता है, ऑप्शन ए राइट।
आंसर। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में भीष्म ने किसका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है? ये किया है वर्णों का। चलिए, राजा शब्द जुड़ा है, राजा शब्द जो जुड़ा है दोस्तों वो जुड़ा है राज्य की उत्पत्ति से। किससे जुड़ा है? राज्य की उत्पत्ति से। आगे देखिए, महाभारत काल के पूर्व ही राजा का पद बन गया था। ये है आपका अनुवांशिक या पैतृक, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 हुआ, जो राजा प्रजा का कल्याण करने वाला एवं स्वयं स्वार्थहीन होता है वही वस्तुतः अपने राज्य की अच्छी तरह से देख रेख कर सकता है। उससे सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यपूर्ण कार्यों का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है और राजनीतिक में स्थिरता रहती है। यह कथन किसने कहा है? ये कहा गया है भीष्म पितामह का। किसने कहा है? भीष्म पितामह जी ने यह कथन कहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आगे देखिए, राजनीति के भीष्म पितामह के अनुसार कितने गुण बताए गए हैं? ये बताए गए हैं 6 गुण। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपको जो है मॉडल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देखिए, महाभारत में आरंभ से अंत तक सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? जाति व्यवस्था थी। देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए, सदा पर्व के किस अध्याय में युधिष्ठिर के चारों भाइयों का विभिन्न दशाओं में दिग्विजय का वर्णन मिलता है? दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी वाला। क्या है? सभा पर्व के 25 से 32 तक के अध्यायों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीष्म पितामह के अनुसार कारारोपण के सिद्धांतों को रखा जा सकता है? ये रखा जा सकता है उपर्युक्त सभी सिद्धांतों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीष्म पितामह के अनुसार राजा को न्याय अन्याय और विचारक विचार कर धर्म के अनुसार दंड विधान परिधान करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर है। दोस्तों, आगे देखिए भाई, भीष्म पितामह के अनुसार राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। किसके अनुसार? भीष्म पितामह के अनुसार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भीष्म पितामह के अनुसार राजा के कर्तव्य थे, ये थे आपके सभी। क्या थे? सभी कर्तव्य थे। आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, ये आता है कौटिल्य का। कौटिल्य से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सभी इसमें हैं। आइए पढ़ते हैं एक जोश के साथ में। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधारित है। देखिए, जो आपका कौटिल्य चीज है, इसका जो सप्तांग सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सावयव सिद्धांत पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौटिल्य भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। कौटिल्य किस राजा के महामंत्री थे? ये है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी के। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, कौटिल्य की दंड नीति का संबंध है, यह है आपका शासन कला या राजनीति से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो से कितना फायदा मिलता है। देखिए, कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति मानते हैं, ये मानते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत द्वारा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना में भर्ती करते समय कौटिल्य ने समाज के किस वर्ग को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया था? ये किया था क्षत्रिय वर्ग को। किसको किया था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर? क्षत्रिय वर्ग को। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य है, ये है आपका त्रिवर्ग की प्राप्ति। क्या है? त्रिवर्ग की प्राप्ति जो है कौटिल्य के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य होता है। आगे देखिए, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? आप सभी को पता है जो आपके कौटिल्य जी द्वारा लिखी गई है वो लिखी गई है अर्थशास्त्र। क्या लिखी गई है? अर्थशास्त्र। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा सकता है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ये है आपका राजनीति पर आधारित, ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, कौटिल्य ने नींव डाली, किसकी नींव डाली थी कौटिल्य ने? ये डाली थी आपकी मौर्य साम्राज्य की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की कौटिल्य जी ने क्या डाली थी? नींव डाली थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 65 हुआ, कैसे है? अर्थशास्त्र का प्रमुख प्रतिपादक विषय है, यह है आपका दंड नीति। क्या है? दंड नीति। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंगों की चर्चा की है? देखिए, जो हमारे कौटिल्य जी हैं, इन्होंने राज्य के जो अंग बताए हैं वो बताए हैं 7 अंग। कितने बताए हैं? 7 अंग। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? ये किया है समिति राजतंत्र का। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। आगे देखिए, कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी कार्य निर्भर है किस पर? अमात्यों पर। किसको? किस पर है? अमात्यों पर। ऑप्शन सी राइट आंसर। कौटिल्य के अनुसार धर्मस्थलीय न्यायालयों का स्वरूप था, कैसा था? दीवानी था। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए, कौटिल्य की विदेश नीति है। देखिए,
जो आपकी कौटिल्य है, कौटिल्य की विदेश नीति कैसी है? छह सूत्री है। कैसी है? छह सूत्री। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य का जन्म किस नगरी में हुआ था? देखिए जो कौटिल्य जी है उनका जन्म हुआ था तक्षशिला में। कहां पर हुआ था? तक्षशिला में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समर्थन किया है, ये किया है राजतंत्र का। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन के जनक माने जाते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक के जो हमारे चिंतन है माने जाते हैं, सॉरी वो माने जाते हैं आपके कौटिल्य जी। कौन जाते हैं? कौटिल्य जी। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, सॉरी दोस्तों विष्णुगुप्त नहीं, चाणक्य जी। आगे देखिए कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्ति होती है, वो होती है सीमित। क्या होती है? सीमित होती है। आगे देखिए नीचे दिए गए वक्तव्य है आपके, इनमें से आपको बताना है जो आपको एक कथन ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। देखिए ए कथन क्या है? कौटिल्य शासन के राजतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थक हैं। और आर हमारा क्या है? कौटिल्य की राजतंत्रात्मक धारणा आज भी उचित एवं पूर्णतः व्यवहारिक है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों आपका जो ए वाला कथन है वो सही है और आर गलत है। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित विद्यात्रेयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? देखिए अथर्ववेद नहीं आता। कौन सा नहीं? अथर्ववेद नहीं आता आपका वेदत्री के अंतर्गत। आगे देखिए कौटिल्य किस प्रकार का राज्य चाहते थे? ये चाहते थे कल्याणकारी राज्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किसने साम्राज्यवाद का समर्थक बताया जा सकता है? देखिए साम्राज्यवाद के जो समर्थक है वो है आपके आचार्य कौटिल्य जी। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 वा, कौटिल्य के मत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजा का विशेषाधिकार नहीं है? विशेषाधिकार सॉरी है, ये है आपका अदंडनीय भी और आपका कानून के ऊपर भी और समाज में सर्वोच्चता भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौटिल्य के अनुसार राजकोष में वृद्धि का तरीका है, यह है आपका न्यूनतम कर लगाकर एकत्र करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य के विचारकों के किस विचारक की साम्यता अधिक है? यह है आपकी मेकियावली। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पहला भारतीय राजनीतिक विचारक कौन था जिसने धर्म तथा नैतिकतावाद को पृथक किया है? ये है आपके आचार्य कौटिल्य जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? देखिए दोस्तों सॉरी मैंने आपको कुछ और बता दिया ऊपर, जो आपका कौटिल्य जी है उनका जो आपका वास्तविक नाम है वो विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य के कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? कौटिल्य ने जो है आपका चार प्रकार के दुर्ग बताए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए राजा के जीवन तथा व्यवहार का सामान्य वर्णन अर्थशास्त्र की किस अधिक का अधिकरण में है? यह है आपका किसमें? विनयाधिकरण में। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कौटिल्य के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही है वो है आपका सी वाला, प्रजा के मुख से पृथक राजा का स्वयं मुख है, स्वयं सुख है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है क्योंकि ये कथन जो है आपका कौटिल्य जी के बारे में गलत है। आगे देखिए कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता भले ही वह कुछ बातों में स्वेच्छारी रहे, क्योंकि वह अर्थशास्त्र में राजनीति शास्त्र और सॉरी दोस्तों यह आपका नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। यह कथन किसका है? यह है आपका श्री कृष्ण राव का। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन जो है कौटिल्य के राजा का गुण नहीं है? वह है आपका वह निम्न कुल का हो। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था हिंदू साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह पाई है। यह कथन किसका है? यह है आपका डॉक्टर बेनी प्रसाद जी का। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है? यह है आपका दो प्रकार के न्यायालयों का। आगे देखिए कौटिल्य के मत अनुसार कानून के कितने मूल स्रोत हैं? ये हैं आपके चार। कितने हैं? चार हैं, याद रखेंगे इंपोर्टेंट है। आगे देखिए कौटिल्य के कितने
प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। देखिए कौटिल्य ने जो है तीन प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो हमारा ये अंतिम टॉपिक है वो है आपका शुक्र। यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा अब मैं जो है स्पीड बढ़ा लेता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, शुक्र नीति में किन विधाओं का उल्लेख है? ये है आपका ये सभी, किन का? ये सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र नीति में राज्य को माना है, ये माना है सावयवी, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए शुक्र नीति के अनुसार राज्य के सप्तांगों में सर्वोपरि है, क्या है? राजा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। शुक्र नीति ने राजा के आचरण को माना है, कितने प्रकार माना है? 8 प्रकार, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए शुक्र और प्राचीन साहित्य के अनुसार वैदेशिक संबंधों में संचालन के माध्यम क्या है? यह है आपके ये सभी, क्या है? ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए शुक्र नीति का रचना काल माना जाता है, ये देखिए इंपोर्टेंट है, 10वीं शताब्दी से माना जाता है। आगे देखिए शुक्र नीति में राज्य रूपी शरीर की आंख किसे माना जाता है? ये माना जाता है मंत्री को। किसको माना जाता है? मंत्री को माना जाता है। आगे देखिए शुक्र के अनुसार शासन का उद्देश्य है, यह है आपका प्रजा का हित, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए शुक्र के अनुसार त्रय में किन बातों का समावेश होता है? अर्थ धर्म का भी होता है, आपका कामना का भी होता है, कोष का भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। आगे देखिए प्राचीन भारत में चाणक्य नीति या विदेश नीति जिसको हम बोलते हैं में यान से तात्पर्य था, यान का मतलब क्या होता है? आक्रमण, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए शुक्र नीति के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र नीति में कितने अध्याय बताए गए हैं? ये हैं आपके 4 अध्याय, किसमें? शुक्र नीति में। आगे देखिए शुक्र नीति अनुसार का रचना काल 12वीं तथा 16वीं शताब्दियों के मध्य माना गया है, ये माना है दोस्तों आप किसने? डॉक्टर घोषाल ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को देखने के बाद में चाहे मॉडल मत पढ़िएगा, आप इस वीडियो को ही जो है एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा और एक दो बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए 107वां क्वेश्चन, शुक्र के अनुसार राजा के मुख्य कर्तव्य है, ये है आपके उपर्युक्त सभी। आगे देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद और शासन पर लिखे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शुक्र नीति सार, ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र नीति अनुसार में कितने श्लोक हैं? देखिए शुक्र नीति सार में जो है आपके 2200 श्लोक है, यानी कि 2200 श्लोक है, बी वाला राइट आंसर है। आगे देखिए शुक्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध होना चाहिए, ये होना चाहिए संधि के अनुसार, ऑप्शन सी हो जाएगा सटीक आंसर। आगे देखिए 111 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुक्र के अनुसार राजा के सैन्य बल में पैदल सेना तथा रथ व असु और हाथी पर सवार सेना 3 प्रकार की होती थी। देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी वाला, उपयुक्त तीनों प्रकार की जो है सेना ही होती थी शुक्र के अनुसार। आगे देखिए राजा का उत्तराधिकारी होना चाहिए, देखिए जो आपका राजा का उत्तराधिकारी होना चाहिए वो धर्म पत्नी से उत्पन्न जो आपका पुत्र है वो होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखिए शुक्र के अनुसार राजा कौन से 3 प्रकार का होता है? वो होता है उपरोक्त 3ों प्रकार का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, शुक्र के अनुसार 100 गांवों के अधिकारी को कहते थे, देखिए जो आपका 100 गांवों का अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे? सामंत कहते थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शुक्र के अनुसार राजा का दूत होना चाहिए, देखिए यह आपका होना चाहिए राजा के मंत्रियों में से एक जो है राजा का दूत होना चाहिए, किसके अनुसार? शुक्र के अनुसार। दोस्तों ये थी हमारी पहली यूनिट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों आपको मुझे एक बेटर सा जो है आप सजेस्ट कीजिए चैनल का नाम जो कि मैं आपका रख सकूं। दोस्तों जरूर कमेंट करना है इस बात पर कि मैं चैनल का नाम क्या रखूं, आप सभी के कमेंट का मैं वेट करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।